हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। तो आज आपको यहाँ देखकर पता लग रहा है कि मैं माउथ मेल्टिंग ब्राउनी यहाँ बनाने जा रही हूँ। हाँ, तो देखिए सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और बस हम ब्राउनी बनाते हैं। ब्राउनी किसको पसंद नहीं आती है ना। तो आज मैं नटी फजी ब्राउनी बनाने जा रही हूँ और इतनी बढ़िया ब्राउनी बनेगी ना कि आप अगर एक बार इसको अपने एक रेसिपी में लगा लेंगे, लिख लेंगे, तो फिर कभी आप कुछ और नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब झटपट तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने बटर गर्म किया और बटर को लो हीट पे किया और बिल्कुल लो हीट के ऊपर ही मैंने उसके अंदर मेरे पास चॉकलेट चिप्स है वो मैंने डाल दिए हैं। आप चाहे तो माइक्रोवेव के अंदर भी इसको मेल्ट कर सकते हैं बटर और चॉकलेट को, या फिर डबल बॉयलर की सहायता से भी कर सकते हैं, पर लो हीट के ऊपर कीजिएगा अगर आप मेरी तरह कर रहे हैं तो। और बस उसके बाद अब मैं इसके बैटर के लिए मैदा ले लेती हूँ। मैंने मैदा ले लिया, मैदा में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके बाद आप कम से कम दो बार, जब भी आप केक की कोई भी चीज़ बनाएं, केक बनाएं, ब्राउनी बनाएं, तो कोई भी बेकिंग की चीज़ बनाएं, तो कम से कम दो बार उसको ज़रूर शिफ्ट करें। इससे क्या होता है, एरेशन होती है और हमारी चीज़ें बहुत बढ़िया बनती हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं मैं एग्स जो हैं उनको तोड़ रही हूँ। हमेशा एग को जब भी तोड़ें, मैं आपके साथ सारे टिप्स यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ जब भी आप कभी एग्स को तोड़ें तो हमेशा एक सेपरेट जार में तोड़िए। ये इसलिए किया जाता है कि बाई चांस उसके अंदर कोई छिलका चला जाए तो वो आप इजीली निकाल सकें, या फिर अगर मान लीजिए आपका कोई एग ख़राब है तो आप उसको फेंक सकें। ठीक है, तो बस अब इसको हम बहुत अच्छे से बीट करेंगे। हमेशा एग को और चीनी को बहुत प्रॉपरली बीट करना चाहिए। अभी आप देखिए कलर, देखिए क्या कलर है आपके अंडों का, और मैं थोड़ी देर आपको बाद दिखाऊंगी कैसा रहेगा। और देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके चीनी डाल रही हूँ और इसको बीट करती जा रही हूँ। ये देखिए उस टाइम मेरे जो एग्स का कलर था वो येल्लो था और अब बीट करते करते 4 से 5 मिनट में ये एकदम वाइट हो गया है। और अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हूँ। आपने देखा कि मैंने साइडें भी इसकी स्क्रेप की थी और अब धीरे धीरे जो मेरी चॉकलेट मेल्ट हुई थी ना बटर के साथ, वो मैं इसके अंदर फोल्ड करती जा रही हूँ। बहुत जेंटली मैं उसको फोल्ड करती जाऊँगी। सारी चॉकलेट को मैं इसके अंदर डाल दूँगी बहुत अच्छे से। और अगर इस स्टेज के ऊपर आपको लगे कि आपकी चॉकलेट थोड़ी सी थिक हो रही है तो हल्का सा उसके आप गर्म कर लें और डालें। अब ये भी जो मैंने फ्लावर को वो किया था ना, सिफ्ट किया था, वो मैं डाल रही हूँ। मतलब अब मेरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर जा रहे हैं। तो बस तो इसको मैं धीरे धीरे क्या करूँगी, फ्लावर जब भी आप डालें थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और स्प्रेड कर रही हूँ चारों तरफ। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ईजिली आपका फ्लावर जो है वो आपका जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मिल जाए। और देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कट एंड फोल्ड मेथड से करूँ। अगर आप कर पाएँ तो बहुत ईजिली कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही इसको मिलाते जाइए, ईजिली मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि एक ही डायरेक्शन में मिलाएं। तो बस ये देखिए मैं करती जा रही हूँ और ये मेरा अच्छे से मिक्स हो रहा है। मैं फैला फैला कर डाल रही हूँ और बस चारों तरफ से मैं स्क्रेप भी करती जा रही हूँ। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है, नहीं तो जो हमारा केक बेक होता है और वो साइड से अगर हम नहीं निकालते तो कहीं कहीं बीच में सूखे सूखे लम्ब्स आ जाते हैं, तो वो आप ना करें और साइडों से भी स्क्रेप करते जाएँ और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें। ये देखिए तो कितना बढ़िया सा मेरा ये मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। झटपट बनती है, इस रेसिपी को भी बनने में टाइम नहीं लगता, फटाफट बनाते हैं। एक तरफ चॉकलेट मेल्ट कीजिए, फिर उसके बाद एग और चीनी को बीट कीजिए और बस अपना जो आपने फ्लावर सिफ्ट किया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग और इसके संग सॉल्ट के साथ, इसको इसके अंदर रेड इन्ग्रीडियंट्स में मिला दीजिए और बस देखिए आपका ये बैटर बनके तैयार हो गया है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊँगी, जब भी हम ब्राउनी बनाएं तो हमेशा आप या तो स्क्वायर टिन लीजिए या फिर आप राउंड टिन, आप स्क्वायर लीजिए या रेक्टेंगुलर लीजिए, राउंड टिप कभी ना लें। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि ब्राउनी स्क्वायर्स होते हैं, आपने कहीं भी सुना होगा, तो ब्राउनी के पीसेस कभी भी राउंड में नहीं इकट्ठे होते, या तो वो स्क्वायर में होते हैं या वो रेक्टेंगुलर में होते हैं। तो एक प्रॉपर तरीका यही है कि जब भी आप ब्राउनी बनाएं और थोड़ा सा प्रोफेशनली बनाएं तो हमेशा या तो स्क्वायर पहन लीजिए या फिर आप रेक्टेंगुलर पहन लीजिए। तो ये देखिए मेरा कितना बढ़िया, कितना स्मूथ मिक्सचर बनके तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमेशा आपका जो बैटर होता है ना वो रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये देखिए रिबन की तरह फ्लो हो रहा है, इतना फ्लो ही होना चाहिए। और अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो वॉलनट्स हैं, चॉकलेट और वॉलनट का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मैंने वॉलनट्स ले लिए हैं। और उसे हमेशा जब भी आप अपने बैटर में डालें, तो आपने देखा कि मैंने थोड़ी सी मैदा के साथ उसको डस्ट कर लिया था और तब डाला है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो हमारे जो नट्स हैं वो नीचे सिंक कर जाएंगे और वो सिर्फ बॉटम पे रहेंगे और कहीं नहीं हो पाएंगे। तो बस ये देखिए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डस्ट कर दिया था मैदा के साथ
और बस इधर मैंने मेरे पास जो फॉइल का जो टिन होता है ना वो था, 8 इंच पैन था, वो मैंने ले लिया है। अगर आप केक टिन लें तो आप केक टिन भी ले सकते हैं। फॉइल वाले टिन को ये देखिए, मुझे लगता था कि मेरा थोड़ा सा ना ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मिल्क भी डाल दिया, तो आप भी ये कर सकते हैं। और ये देखिए नीचे मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा दिया था और उसके ऊपर मैंने अपना बैटर डाल दिया है। तो आप भी अपने टिन जो है उसको जैसे ग्रीस करेंगे, हमेशा पहले उसके ऊपर ऑयल या बटर डस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा ड्राई फ्लावर करेंगे और उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर बिछा देंगे। तो पार्चमेंट पेपर बिछाने से क्या होता है कि आप बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि आपका जो केक है वो नीचे चिपकेगा नहीं, या ब्राउनी नीचे चिपकेगी नहीं। और ये देखिए मैं यहाँ पर ना थोड़े से बिल्कुल मार्क्स लगा रही हूँ, वो मैं इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे ऊपर से ना इसको सुंदर बनाने के लिए वॉलनट्स लगाने थे, तो हर पीस के अंदर एक वॉलनट आए और प्रॉपर जगह पर वो लग जाए, इसी वजह से मैंने इसके अंदर कट्स लगाए थे। और बस देखिए जहाँ वहाँ जब मुझे जगह दिखी वहाँ मैं सीधा सा वॉलनट्स को लगाती जा रही हूँ। और इसको टैप करना बहुत ज़रूरी है, आप देखिए जैसे मैंने टैप किया है आप इसे ज़रूर टैप करें, जो कि जो इसकी एयर है वो रिलीज़ हो जाए। और हमेशा जो अपना केक है उसे सेंटर वाली रैक के ऊपर लगाएं और हमेशा प्री हीटेड ओवन में लगाएं। प्री हीटेड ओवन के अंदर जैसे मैंने 180 डिग्री के ऊपर इसको बनाया है, तो आपको इसको 180 डिग्री के ऊपर कम से कम 10 मिनट के लिए प्री हीट करना पड़ेगा। और जब 10 से 15 मिनट के बाद जब वो प्री हीट हो जाएगा तब आप सेंटर रैक के अंदर अपना केक या ब्राउनी या जो भी कुछ आप लगा रहे हैं आप लगाइए। और बस उसके बाद आप इसको स्क्वायर से अंदर डालकर देख लीजिए, सेंटर में हमेशा डालिए। अगर स्क्वायर बिल्कुल क्लीन निकल के आती है इसका मतलब आपका जो केक या जो भी आपकी ब्राउनी हो परफेक्ट बेक हो गई है। अगर वो इसके अंदर थोड़े से भी ऐसा लगता है कि वो गीला है तो उसको 5 मिनट के लिए आप और अंदर रख सकते हैं। और देखिए ब्राउनी को हमेशा जब भी आप काटें इसको ठंडा होने दीजिए। ये देखिए मैंने जो भी आप देख रहे हैं ना मैं ब्राउनी काट रही हूँ, तो इसको मैंने अंदर ओवन से निकाल दिया था और ओवन से निकालने के बाद मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर 1.5 से 2 घंटे रखा, जो कि चॉकलेट जो है वो अच्छे से सेटल हो जाए, उसके अंदर जो चीनी है वो अच्छे से सेटल हो जाए और जब मैं उसे काटूँ तो वो अंदर से टूटी टूटी ना हो। अगर आप एक बहुत जल्दी और आप चाहते हैं बहुत जल्दी इसको आपने काटना है, आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं या कुछ है, तो आप हमेशा थोड़ी देर के लिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें, और जब ये रूम थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ ठंडी नहीं है तब आप उसे काटें, तो ये बड़ी क्लीन कट के आएगी। नहीं तो आपके जो क्रम्स हैं आपके चाकू में दिखेंगे या आपको टूटी टूटी दिखेगी, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसको रेस्ट दिया था और जब इसमें रेस्ट हो गया काफ़ी टाइम तक तब मैंने इसको काटा और देखिए कितना बढ़िया फज दिख रहा है, कितनी फजी ब्राउनी मेरी बनी है, कितने परफेक्ट पीस निकल के आ रहे हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं बेस के ऊपर कितना क्लीन है नीचे से। तो बस इसी तरीके से आप भी अपनी ब्राउनी बनाइए, और ये ब्राउनी अगर आपने एक बार बनाई ना तो आप हमेशा फिर इसी भी आप ब्राउनी की रेसिपी को जो है हमेशा फॉलो करेंगे। इतनी बढ़िया बनती है ना ये ब्राउनी कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये तो आप जब एक बार बनाएंगे और खाएंगे या अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इस रेसिपी को बनाकर उनको खिलाकर शेयर करेंगे और उनके रिव्यूज़ लेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या बनाया है। तो बस ये देखिए मैंने कितनी बढ़िया ब्राउनी बनाई है, और मेरा मन कर रहा है कि आप मेरी बातें सुन के इतने इंस्पायर हो जाएं कि आप इसे बनाएं और फिर मुझे बताएं कितनी बढ़िया आपकी ब्राउनी ये बनी थी। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर गनाश बनाया था। गनाश मींस मैंने थोड़ी सी चॉकलेट को क्रीम के साथ मेल्ट कर दिया था और उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल दिया था, तो वो एक सॉस की तरह बन जाता है। ये एक सॉस बन गई है और बस इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, तो इतना मतलब यू विल फील कि मतलब जैसे कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, तो ये गनाश जो है उसी का काम कर रहा है। तो चलिए तो फिर आप बनाइए इसे, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।